खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बंद सड़कों की समीक्षा की है। दरअसल सीएम धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को दो दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए, साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी, जिसके बाद आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने समीक्षा बैठक करते हुए दावा किया है कि दो दिन के भीतर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। बता दें कि आईटी पार्क स्थित यूएसडीएमए के राज्य कंट्रोल रूम के विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों का अपडेट लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दो दिन में न खुल पा रही सड़कों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है और ऐसी स्थिति में सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी IMD द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है, बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो उसके अनुसार फिर अपना फिर जो रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए। उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए।